विज साहब को लोगों से माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का एक दिन भी अधिकार नहीं है, जो आम लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं तो बहुत दूर है, ये तो इमरजेंसी सुविधाएं देने की बात है, ये देना तो सरकार का कर्तव्य है। सरकार को सारे काम काज छोड़ करके केवल इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये तो हमारा मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री की तरह मन की बात करता है, नई चीज़ सीख गया, नई नई बातें बोलने लग गया, एक एक घंटे स्पीच देने लग गया, बजाय स्पीच देने के मुख्यमंत्री को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। अगर ये अपनी जिम्मेवारी से भागेगा तो फिर लोगों के बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज जहाँ सत्ता पक्ष कहीं नहीं है, आज विपक्ष उससे भी ज़्यादा मरा हुआ है। कांग्रेस की जो जिम्मेवारी बनती है, आज कांग्रेस के लोग लोगों की समस्याओं को उनके बीच में जा करके या कहीं उसके लिए कोई गवर्नर से मिल करके या कोई मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जा करके जहाँ उनको मजबूर करना चाहिए, वहाँ ये लोग भी अपने घरों में बढ़ गए, ये लोग भी इनके साथ मिल गए, ये भी इनके बी टीम के रूप में काम करने लगे, इसलिए आज प्रदेश के हालात खराब हैं। आज दिल्ली से भी ज़्यादा बुरी हालत हमारे हरियाणा की है, यहाँ कहीं कोई किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं उपलब्ध। इस कोरोना की महामारी को लेकर के मुख्यमंत्री के, स्वास्थ्य मंत्री के और अलग अलग मंत्रियों के बहुत सारे बयान आए और बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि महामारी दिनों दिन बढ़ रही है और इसको काबू पाने के लिए भी बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। इन्होंने पहले तो इस कोरोना की आड़ में किसान को लूटा और बर्बाद किया, आज भी किसान की गेहूँ की फसल जो है मंडियों में रुल रही है, ना बारदाना है, ना कोई खरीदने वाला है और ना ही किसान की कोई पेमेंट करने वाला है। वहीं आज ऐसी हालत है हमारे प्रदेश की कि ना ऑक्सीजन है, ना इंजेक्शन है और ना ही कहीं बेड है, जबकि सरकार की ये जिम्मेवारी बनती थी बहुत पहले से इस बात को लेकर के अखबारों में, टीवी में सब जगह इस किस्म की खबरें थी कि इंग्लैंड के अंदर जो दूसरा स्ट्रेन आया था, जो यूरोप में दूसरा स्ट्रेन आया था, उससे हर आदमी चिंता व्यक्त कर रहा था। उसी वक्त समय रहते हुए सरकार को उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए था ताकि ये बीमारी और आगे ना बढ़ सके। इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी गलत सोच की वजह से, गलत पॉलिसी की वजह से आज जो है लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।